नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में कल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक सेंट्रल बार एसोसिएशन के शाहजहांपुर में अध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, कोष अध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी के लिए कल चुनाव होंगे। इसके बाद सभी जीतने वाले प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं जिससे कोई भी गड़बड़ी ना हो सके और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। ये 10 से 4 तक हम लोगों का ये मतदान होगा और 5 बजे से ये मतगणना होगी और सभी को जारी कर दिए गए जो भी निर्देश हैं, बता दिया गया है कि सभी लोग अपना परिचय पत्र लाएंगे और सब शांतिपूर्वक मतदान में भाग लेंगे, सहयोग करेंगे। किस तरीके से जो आप यहाँ प्रत्याशी हैं, किस तरीके से उनके लिए नियम कानून है, किस तरीके से वोट डालेंगे, क्या प्रोसेस है? जो बूथ बना दिए गए हैं, एक बूथ में एक आदमी यहाँ से लेके बैलेट पेपर एक बूथ में एक आदमी जाएगा, दूसरा कोई वहाँ देखने के लिए सुरक्षा समिति बना दी गई। सुरक्षा समिति के सदस्य सभी व्यवस्थाएं देखेंगे और सभी अपना परिचय पत्र साथ में लाएंगे। अगर किसी पर शक होगी तो परिचय पत्र देख लिया जाएगा, सही चल रहा है, बता दिया गया सबको नियम कानून। कोई अपना मोबाइल लेना है, सब परिचित, सब परिचित है, हाँ, कोई एक रुपया नहीं है तो मांग लिया जाएगा। किस तरीके से कल आपकी सुरक्षा व्यवस्था है या किस तरीके से जो इंतजाम किए जा रहे हैं, कैसा क्या इंतजाम रहेगा? अभेद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सारे वोटर एक दूसरे से परिचित हैं, अगर किसी को संदेह होता है तो परिचय पत्र मांगा जाएगा और परिचय पत्र देखने के बाद, बार के अभिलेखों को मिलाने के बाद संतुष्ट होने पर ही उसका वोट डालने दिया जाएगा। और 25 लोग सुरक्षा समिति के बनाए गए हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करेंगे। और इसके अलावा कप्तान को, सीओ सिटी को, प्लस आपके सदर बाजार को सूचना दे दी गई है। जो भी प्रत्याशी हैं, किस तरीके से अगर कोई गड़बड़ी फैलाते हैं या किस ऐसा कोई अंदेशा या नहीं, शांतिपूर्ण कोई कैंडिडेट किसी कटका।